बहुत ही नेक दिल इंसान परमात्मा नूं मनन वाले रब दी रजा विच रहण वाले जिहड़े आप तां सारी उमर परमात्मा दे रस्ते ते चलदे रहे अते होरनां नूं वी परमात्मा दे लड़ लगण लई प्रेरित करदे रहे। मेजर कुलदीप सिंह जी पिछले दिनी अचानक कदे ना पूरा होण वाला काटा सबना दे पल्ले पा के परमात्मा दे चरणां विच चढ़ बैठे। मेजर कुलदीप सिंह हुणां दी याद विच इक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे पिंड सलेमपुर जिला होशियारपुर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन हाजरी लगवाई अते संगतां नूं परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। मेजर कुलदीप सिंह हुणां दा जन्म 28 अक्तूबर 1948 नूं पिंड सलेमपुरा जिला होशियारपुर विखे सरदार हरबंस सिंह दे घर माता सुमित्रा कौर जी दी कुखों होया। आप जी ने मुढली विद्या पिंड दे ही स्कूल तों प्राप्त कीती, उपरंत आप जी ने उचेरी सिख्या बेगोवाल स्कूल तों प्राप्त कीती। आप जी दा विआह श्रीमती सुरिंदर कौर जी नाल होया अते आप जी दे घर 3 बेटियां अते 1 बेटे ने जन्म लिया। 1968 विच मेजर कुलदीप सिंह जी हुणां ने देश सेवा दी खातर आर्मी ज्वाइन कीती अते बहुत लंबा समा अपने देश दी सेवा लई लड़दे रहे। रिटायर होण उपरंत आप जी अपने पिंड आके वसे अते अपनियां समाजिक जिम्मेदारियां नूं पूरा कीता। जिथे आप जी दे विच देश प्यार दा जज्बा सी उथे ही आप जी दे विच अपने पिंड नूं उन्नत करन दा वी जज्बा सी। आप जी ने अपने पिंड दी ब्रोतरी दे हर संभव जतन कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण।
उपरंत परमात्मा जी दे चरणा विच अरदास बेनती करके पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा भी सरवण कीता गया। इस मौके वड्डी गिनती भी संगतां तो इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों उन्हां नूं श्रद्धा दी फुल भेंट कीते। सरदार कुलदीप सिंह जी जो आर्मी दे विच इक रिक्रूट भर्ती होए, उस तों बाद उन्हां मेहनत कीती, साडे नाल ही बहुत उन्हां दा प्यार सी, मेहनत सदका ही अच्छे ट्रेड दे विच उन्हां ने जो जीसीओ रैंक तों हेठां अपने जो अहुदा सी उस नूं प्राप्त कीता ते डायरेक्ट मेहनत करके एसएल कमीशन जिहड़ा है ओह इंडियन आर्मी दे विच लै के ते मेजर साहब बन के रिटायर होए। उन्हां दा वी अपने माता पिता वांगू ही सुभा है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हां बारे चित चित वर नहीं सी कि उन्होंने छेती चले जाना है। अपने माता पिता दे नाल उन्हां दा वाकया ही काफी लगाव सी, बड़े प्यार सत्कार दे नाल अपनी माता दे नाल रहिंदे सन। पर सतसंग जी जो सदमा हुंदा है जां कोई गल हुंदी है, ये सारी गुरु पातशाह दे हाथ दे विच हुंदी है। उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच ਇੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਅਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਦਾ ਕਪਟਨ ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਬੇਜਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।